Good morning. Welcome to BioWorld. Today in this lecture, we'll discuss about estivation. So first question arises, what is estivation? So estivation means the mode of arrangement of sepals or petals. कैलिक्स और कोरोला के स्ट्रक्चर में जो सेपल्स और पेटल्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है इन फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल, मतलब कि सारे कैलिक्स और कोरोला में जो भी सेपल्स और पेटल्स हैं वो मेंबर्स के दूसरे मेंबर्स के अकॉर्डिंग उसकी अरेंजमेंट कैसी है, दैट इज नोन एज अ एस्टिवेशन. Now let's discuss type of estivation. First, velvet. Such type of estivation is observed in calotropis and mustard. Here petals or sepals in a hole just touch one another. समझ लो कि 5 sepals है या 5 petals है, तो sepals और petals जो होते हैं वो just margin से ऐसे touch करते हैं. राइट, विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं होता. समझ लो ये उसका देखने जाए तो ऐसा पूरा फ्लावर होगा. ठीक है, तो जस्ट मार्जिन से टच करते हैं. पूरा फ्लावर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ऐसे मार्जिन ड्रॉ करोगे तो चलेगा. Now second, twisted. Such type of estivation is observed in cotton, lady's finger, china rose, right? That is hibiscus. क्या होता है यहाँ पे? One margin of the appendage overlap that of the next and so on. जैसे आप देखो ये एक है तो क्या करती है, एक मार्जिन दूसरे को ओवरलैप करती है. राइट, जैसे ये दूसरा है. राइट, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे ये मार्जिन ओवरलैप कर रही है, ये ओवरलैप कर रही है, ये मार्जिन ओवरलैप कर रही है और ये मार्जिन. दैट मीन्स सिंपली आप देख सकते हो कि वन मार्जिन इज ओवरलैपिंग टू अनदर एंड वन मार्जिन इज ओवरलैप बाय अदर. राइट, कोई भी मेंबर है उसकी एक मार्जिन ओवरलैप करती है और दूसरी मार्जिन ओवरलैप होती है. राइट, सो दिस इज twisted. Right? Okay. So first estivation we have discussed, that is velvet, which is observed in calotropis, mustard. Right? Second is twisted, which is observed in china rose, cotton, lady's finger. Now next, imbricate. Such type of estivation is observed in cassia and gulmohar. अच्छा क्या होता है यहाँ पे, वन मेंबर इज कंप्लीटली आउटसाइड, एक मेंबर ऐसा है जो कंप्लीटली बाहर है, आउटसाइड. अच्छा अब ये कंप्लीट आउटसाइड कब होगा बेटा, जब उसके दोनों साइड अंदर कोई होगा. ठीक है, तब देख सकते हो कि ये मेंबर कंप्लीटली आउटसाइड. ओके, सो वन मेंबर इज कंप्लीटली आउटसाइड. चलो वन मेंबर इज कंप्लीटली इनसाइड. चलो जैसे ये मेंबर मैं कंप्लीटली इनसाइड ड्रॉ कर रही हूं, अब ये इनसाइड केस कब होगा, तो जब उसकी दोनों बाहर होगा, आउटसाइड होगा कोई, तब. तो ये हो गया कंप्लीट इनसाइड. एंड अदर थी मेम्ब्रेन
members have one end outer and other end inner. तो देखो बाकी जो तीन मेंबर है, एक इनर एक एंड आउटर, ये सेकंड मेंबर आप देख सकते हो, ये आउटर साइड ये इनर साइड, ये आउटर साइड ये इनर साइड, ये आउटर साइड ये इनर साइड. ओके, सो वन मेंबर इज कंप्लीटली आउटर, वन मेंबर इज कंप्लीटली इन, बाकी जो है वो है इन आउट, इन आउट, इन आउट, राइट. दैट इज वन इज ओवरलैप्ड बाय अदर एंड वन इज ओवरलैपिंग टू अनदर. एक ओवरलैप हो रही है, राइट, ये हो रही है और ये ओवरलैप कर रही है. ओके, राइट. सो ये हो गए टाइप एस्टिवेशन के. तीन टाइप हुए, वेलवेट विच इज ऑब्जर्व इन कैलोट्रॉपिस मस्टर्ड, देन ट्विस्टेड विच इज ऑब्जर्व इन चाइना रोज कॉटन लेडीज फिंगर, दैट इज भिंडी, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ओखरा, राइट, उसको परभानी क्रांति भी बोलते हैं, एंड इम्ब्रिकेट विच इज ऑब्जर्व इन कैशिया एंड गुलमोहर. नेक्स्ट क्वीन कुंशल विच इज ऑब्जर्व इन ककरबिटा, स्पेशल टाइप ऑफ इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट का ही टाइप है, वेयर there are five components, five members there. Two components are out and two are inner. देखो two completely out है. ठीक है, अच्छा two are completely out करने के लिए उसकी दोनों साइड पे inner draw करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो ऑरेंज हो गया कंप्लीट आउट. अच्छा इसको आउट करना है, इसको इन करना है, हो गया ऑरेंज टू कंप्लीट आउट, डार्क ब्लू कंप्लीट इन, और बाकी जो एक कंपोनेंट है उसकी एक आउटर साइड पे और एक इनसाइड. सो सच एस्टिवेशन इज नोन एज अ क्वीन कुंशल which is observed in Kakarbita. Two component out, two in and one out. And last type of estivation which is known as a vexillary estivation. In vexillary estivation there are five petals. अच्छा इसको papilionesis भी बोलते हैं, which is observed in P and B, or we can say that butterfly shape भी बोल सकते हैं उसको. तो फाइव पेटल्स है, उसमें जो लार्जेस्ट है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड. तो ये है स्टैंडर्ड विच ओवरलैप्स टू लेटरल विंग्स. तो ये ओवरलैप करता है जो दो लेटरल है उसको बोला विंग्स, एंड अगेन दिस टू ओवरलैप्स टू स्मॉलेस्ट petals which is known as a keel, but these keels are fused, so this is keel, right. ये बहुत ही important है, vexillary estivation, papilionaceous estivation, और which is observed in P and B, right. One standard plus two wings एंड प्लस टू कील एंड दे आर फ्यूज. आप देख सकते हो यहां से फ्यूज है, सो डोंट बी कंफ्यूज. ओके, सो वेक्सिलरी एस्टिवेशन विच इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट.